तो 90 के दशक में उत्तर प्रदेश की सियासत की जमीन पर एक नारा जो हकीकत बनकर उभरा था वो था मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और अब एक बार फिर 2019 लोकसभा चुनाव में यही जुगत भिड़ाते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुनौती देने के लिए 2019 में बड़ा सवाल ये किसके तोते उड़ेंगे। एक तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गठबंधन जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी बनाने जा रही है, दरअसल वो तो अस्तित्व की लड़ाई की वजह से, क्योंकि तोते इन्हीं दोनों दलों के उड़े हुए हैं। देखिए बड़ी खबर ये कि मायावती और अखिलेश कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का औपचारिक तौर पर ऐलान कर सकते हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल मायावती और अखिलेश यादव। दोपहर 12 बजे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको आज ही एबीपी न्यूज़ पर दे रहे हैं। आज मायावती और अखिलेश के बीच मुलाकात भी संभव है। कुछ दिन पहले भी मुलाकात हुई थी दोनों नेताओं के बीच, इस तरीके की खबरें सामने आई जिसके बाद सीबीआई की बड़ी कार्रवाई अखिलेश पर हुई। और अब बराबर सीटों पर लड़ सकती है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। ये गठबंधन जिसका ऐलान होगा उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 37-37 सीटें दोनों पार्टियों ने आपस में बांटी हैं। 4 सीट अजीत चौधरी की पार्टी आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल को दी जा सकती है। रायबरेली और अमेठी, ये 2 सीटें सोनिया गांधी राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र, फिलहाल इन्हें दोनों सीटों को कांग्रेस के लिए छोड़ा जा सकता है। तो कुल लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 80, जिनमें से फिलहाल 2014 की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 71 जीती थी, सहयोगी दलों ने 2 जीती थी। और उन्हीं सीटों को अब बांट लिया है एसपी बीएसपी ने आपस में 37-37 सीटों में, और 4 सीटें आरएलडी को दी जाएंगी, 2 सीट छोड़ दी जाएगी कांग्रेस के लिए। और देखिए इतिहास एक बता देते हैं आपको सियासत का, कि इससे पहले कब कब समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने गठबंधन किया है, मिलकर चुनाव लड़े। 1993 पहली बार जब दोनों ने अपनी साझा ताकत को एक साथ आजमाया था, 1993 का वो साल था। समाजवादी पार्टी को 109, बीएसपी को 67 और बीजेपी को 177 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये फॉर्मूला अपनाया गया था और तब चरम पर था राम जन्मभूमि आंदोलन। 1993 में एसपी बीएसपी गठबंधन की सरकार बनी थी। जिस तरीके से एसपी बीएसपी ने बीजेपी को रोका था, उसी के बाद वो नारा जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और इसके बाद 25 साल का वक्त लगा दोनों दलों को साथ आने में। 2018 में एसपी बीएसपी मिले तो फूलपुर गोरखपुर कैराना में बीजेपी को हराया मोदी लहर के बावजूद। और देखिए प्रेस्टिजियस सीटें होने के बावजूद बीजेपी के लिए, चाहे गोरखपुर हो चाहे फूलपुर हो, वहां पर एसपी बीएसपी मिलकर बीजेपी को मात देने में कामयाब हुए। और अब एक बार फिर 2019 का ये चुनावी साल, एक बार फिर हालात कुछ उसी तरीके के जिस तरीके को 1993 में थे, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर राम मंदिर निर्माण की मांग अब जोर पकड़ रही है। तो फिर से साथ आ रहे हैं एसपी और बीएसपी, 37-37 सीटों पर लड़ सकती हैं दोनों पार्टियां चुनाव। ये फॉर्मूला जो दोनों दलों ने तय किया है और औपचारिक ऐलान इसका कल किया जाएगा। तमाम खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ राजनीतिक दलों के मेहमान भी यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद खान साहब, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनिरुद्ध जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, 1993 में जो हुआ वो 2019 में क्यों नहीं हो सकता है? जी जी, देखिए 1993 में जो हुआ, 1993 में आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी 425 सीटों में बड़ी मुश्किल से राम लहर के बावजूद 221 सीटें जीती थी। आज भारत, तब भी भारतीय जनता पार्टी आपको याद होगा अकेले लड़कर 176 जीती थी। आज भारतीय जनता पार्टी 317 सीटों वाली है। और भारतीय जनता पार्टी में जब लोकसभा के चुनाव में, उस समय भी आपको याद होगा कि 1996 के जब लोकसभा के चुनाव हुए तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 56 सीटें हासिल हुई थी। तब भी सपा थी, तब भी बसपा थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित तौर पर मुहर लगाएगी। और एक बार फिर ये जो अवसरवादी गठबंधन है, जिस तरह से दो युवकों का जोड़ा जो है वो बहुत पसंद आया था लेकिन बाद में एक दूसरे का मुंह नहीं देखे, उसी तरह से एक बार जब चुनाव परिणाम 2019 के आएंगे उसके बाद एक दूसरे पर दोषारोपण के अतिरिक्त इनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा।
अच्छा सर, सर जो आप कह रहे हैं 1996 का आपने जिक्र किया, तब तो एसपी बीएसपी साथ नहीं लड़े थे। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगी फिलहाल। और बड़ी खबर हम आपको यहां पर दे दें कि गठबंधन से एक बड़ी खबर यह सामने निकल कर आ रही है कि सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि एसपी बीएसपी गठबंधन में आरएलडी का पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। आरएलडी के लिए 3 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं बीएसपी, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। और वहीं चौधरी अजीत सिंह अपनी पार्टी के लिए 4 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है। बीएसपी जो है वो बड़ा हिस्सा चाहती है, समाजवादी पार्टी के मुकाबले 1 सीट ज्यादा चाहती है, 38 सीटों पर लड़ना चाहती है मायावती। और ऐसे में आरएलडी को 3 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है मायावती। हम सीधे रुक करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, औपचारिक ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन किस तरीके से तालमेल की कमी उसकी खबरें सामने आ रही हैं? जी हाँ, देखिए ये जो अभी जो इन्विटेशन आया है मीडिया को कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उसमें आरएलडी का नाम कहीं से नहीं है। उसमें यह है कि अखिलेश यादव मायावती साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और आरएलडी के नेताओं से हमने इस बाबत पूछा कि भाई आप नहीं है इसमें, ये जो गठबंधन महागठबंधन का आप भी पार्टी में थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है लेकिन हमें नहीं बुलाया गया है और अभी फार्मूला तय नहीं हुआ है। जानकारी ये मिली है कि मायावती आरएलडी के लिए 3 से 1 की सीट अधिक नहीं छोड़ना चाहती है, और आरएलडी 4 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ना चाहती है, इसीलिए पेच फंसा हुआ है। बड़ा सम्मान चाहती है मायावती, 38 सीटें अपनी पार्टी के लिए चाहती हैं, आरएलडी को 3 सीट से ज्यादा देना नहीं चाहती हैं, आरएलडी अपने लिए 4 सीट से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में चंदेल साहब, होगा कैसे ये महागठबंधन? मुश्किल से तो लग रहा है एसपी बीएसपी किसी तरीके से एक दूसरे के साथ आ पाएंगे। नहीं, मुझे लगता है इतनी हड़बड़ी क्यों है किसी को, और एक दिन बचा हुआ है, 24 घंटे बचे हुए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही, दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला ले लेंगे, सब दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन गठबंधन करना चाह रहे हैं, और गठबंधन जब आरएलडी को भी शामिल करना चाह रहे हैं तो फिर उसके भी नेता होने चाहिए थे ना, या फिर यहाँ पर भी बड़ा भाई बनने की आप लोगों की कोशिश है? वो किसको किसको होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था, दो पार्टियों ने निर्णय लिया है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं, आरएलडी को आपत्ति नहीं है, किसी दूसरे अन्य दलों को आपत्ति नहीं, जो छोटे दल और भी कई दल है उनको आपत्ति नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में आप कोई कार्यक्रम करते हैं, इसको बुलाते हैं उसको नहीं बुलाते, तो इसमें अब दोनों दो लोग अगर बैठ रहे हो सकता है दो लोग कहीं और बैठे हो, किसी और प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे, अभी तो सपा बसपा की बात चल रही है, अगर कल वहां पर दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दोनों पार्टियों के बैठ रहे हैं तो उस पर जो निर्णय हो सामने आ जाएगा, उस पर किसी को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा गठबंधन जो है वो परिपूर्ण है, और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हम लोग जो एकजुट हो रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को तोते उड़ गए हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, गठबंधन परिपूर्ण है जो बात कह रहे हैं अनिरुद्ध साहब? नहीं, देखिए सपा और बसपा साथ आ रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मायावती और अजीत सिंह उनका क्षेत्र लगभग एक ही पड़ जाता है, जहां पर वो ज्यादा मायावती भी मजबूत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और वहां पर इसीलिए वो शायद 1 सीट और ज्यादा चाहती हैं वहां पर, जो हमारे अपने सहयोगी पंकज झा बता रहे थे। देखिए रोमाना, एक बात समझ लीजिए, अगर आरएलडी साथ में नहीं आती इस गठबंधन में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर इस गठबंधन को झटका लगेगा, लेकिन सपा और बसपा अपने आप में इनका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि उसकी काट फिलहाल इतनी आसानी से बीजेपी के पास नहीं दिखाई पड़ती। और एक और दिलचस्प, क्यों नहीं दिखती सर, क्यों नहीं दिखती? कारण यह है कि जाति समीकरण कहने की जितनी भी बातें कही जा रही हैं कि जात से ऊपर उठकर वोट पड़ता है, ऐसा होता नहीं है आमतौर पर जब चुनाव सामने आता है, और ये जो गठजोड़ भी हो रहा है ये बहुत ज्यादा क्षेत्रीय और जातीय अस्मिता का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है जिसकी वजह से ये हो रहा है। मैं इसी पर जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुनी ना राजकिशोर जी की बात, और सर ये तो बीजेपी भी बेहतर तरीके से समझती है, किस तरीके से आप लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग करके उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा, बड़ी जीत जीती, ऐसे में इस जातिगत समीकरण की काट निकालेंगे कैसे? देखिए हम तो सबका साथ सबका विकास वाले हैं, इसलिए सारी जातियों को हमको समर्थन मिलेगा, जिनको जातियों को बांटना है वो बांटते रहें, जिनको जातियों को जोड़ना है जोड़ते रहेंगे, हमने सामाजिक समरसता स्थापित करके सारे जो जातिगत काटने के जो समीकरण है उन समीकरणों को ध्वस्त करेंगे। मोहम्मद खान साहब, बीजेपी की बात सुन रहे हैं ना, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं हम तो जातिगत समीकरणों को काटना चाहते हैं, विकास के नाम पर वोट लेंगे क्योंकि हम तो सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है। साढ़े 4 साल बाद शुक्ला जी को भी एहसास है कि ये जुमले कोई नहीं मान रहा, इनका पर्दाफाश हो चुका है, ये एक सरकार है जिसने सिर्फ जहर और विष की राजनीति की है, झूठे वादे दिए हैं, हर इंसान जिसने इन पे भरोसा किया था, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसको इन्होंने लेट डाउन किया है, निराश किया है। और रोमाना जी मैं यही कहूँगा कि देखिए इनकी हालत क्यों ख़राब है, आज ये क्यों परेशान है, गठबंधन की बात करते हैं,
विपक्षी गठबंधन की बात करते हैं, आज 4.5 साल बाद तो शुक्ला जी को फखर से आपके सामने आके कहना चाहिए था ये रहा हमारा रिकॉर्ड, हमने ये हासिल किया और इस के आधार पे हम जनता के सामने जाएंगे। मगर विपक्ष की राजनीति, बेमेल गठबंधन, ये सारी बातें करते हुए शोभा नहीं देता, खासतौर से जब जब आपके 13 पार्टनर्स आपको छोड़ के जा चुके हैं। अरे शुक्ला जी आप क्यों बौखला जाते हैं, आप किसी और की बात सुनते नहीं है, कोई हस्तक्षेप करता नहीं है जब आप बोल रहे होते, मगर आप इतने बौखला जाते हैं दूसरे की आवाज सुनते, यही आपकी सरकार की प्रॉब्लम है। आम आदमी की क्या विपक्ष की आवाज चेहरा बाद में निकलने, आप क्यों बौखलाए हुए शुक्ला जी, मैं इतनी शांति से उतनी खुशी से आपकी बात पर बौखलाहट, मगर आप पता नहीं क्यों आज इतनी बदतमीजी बताए हो गए कि आप किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं भी एकदम शांति सुन रहा हूँ आपको। हाँ शुक्ला जी आपकी बौखलाई, अब देखिए आपका और देखिए शब्द सामर्थ्य बहुत सीमित है, एक मिनट में बदतमीज बदतमीज करने लगते हैं। सर सर एक मिनट, आपको गर्व हो, ठीक है मोहम्मद खान साहब, दो काम मोहम्मद खान साहब, दो काम मैं उनसे पूछ लूंगी, ठीक है मोहम्मद खान साहब, मैं उनसे दो काम पूछ लूंगी। लेकिन भैया जनता ये कह रही है कि कांग्रेस की हालत तो उत्तर प्रदेश के इस गठबंधन में ऐसी बन रही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप हैं कहाँ, अपनी पार्टी का तो रिकॉर्ड पेश कर दीजिए। मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल मैं आपका जवाब देता हूँ। देखिए गठबंधन में कभी जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती, ये भाजपा समझती नहीं है, मगर कांग्रेस जो एक नेचुरल स्वाभाविक कोएलिशन बिल्डर है जिसने दो कोएलिशन सरकारें चलाई हैं, वो इस बात को समझती है। आपको बताया रुमाना जी, हम प्रवक्ताओं को बताया जाता है कि जो भी डिबेट का विषय हो, समाजवादी और चाहे कोई भी पार्टी हो, आप हमेशा आदर और सम्मान के साथ उनके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है गठबंधन हो रहा है, अच्छी बात है, और आखिर में यही तो लोकतंत्र की ताकत है, हम जाके एक विकल्प पेश करेंगे। आदरणीय योगी जी का आदर किया, गठबंधन एक विकल्प पूरे देश ने देखा कि एक जो है जनता फैसला करेगी, गोरक्ष पीठा ईश्वर के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, हेरो विश वाली जो राजनीति कांग्रेसी संस्कृति का प्रकट है। चलिए मैं अरे शुक्ला जी आप क्यों अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हैं, क्यों अपनी पार्टी को शर्मिंदा कर रहे हैं, ये जहर आपके चेहरे पे भी आपने जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ के लिए तो है। जिस तरह के अवमानना सूचक शब्दों का प्रयोग किया, अपना श्रीमती सोनिया गांधी या जिसको सोनिया मायनो कहते हैं, संजय निरुपम जिनके लिए बार बाला जैसे शब्दों से अलंकृत करते हैं, वो संस्कृति आपकी प्रदर्शित हुई। आपने आपकी सरकार ने क्या किया, इतनी आपकी एक नहीं सौ बता सकता हूँ, और आपने क्या क्या नहीं किया वो भी बता सकता हूँ। आप बताइए आपने 70 वर्षों में आपने देश को कैसे लूटा, कैसे विभाजित किया, कैसे निराश किया, और हमने कैसे उस निराशा के जीत आपको दी, आम भारतीय को बाहर निकाला, बहस का मुद्दा हो सकता है, आपको हमेशा जब आपकी चक्कर बैठ सकते, क्या दिया गरीबों को, क्या दिया अल्पसंख्यकों को, क्या दिया हमारी बहनों को, क्या दिया आपने सवाई झाड़ के सामने को लूट कर भागे गए। मैं जरा यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद खास मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। निगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरएसएस के विचारक हैं निगम साहब, लेकिन कांग्रेस नहीं है ना, ऐसे में क्या राजनीति में ये बड़ा संदेश नहीं जाएगा कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं और वही कांग्रेस पार्टी क्या रिडंडेंट हो रही है? देखिए कांग्रेस इसके लिए खुद जिम्मेदार है। कांग्रेस जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पीछे से करती है, कमरे में बैठ के मुस्लिम पार्टी बनने की कोशिश करती है और कमरे के बाहर मंदिर में दौड़ लगाती है। देखिए जनता बेवकूफ़ नहीं है, उनको भी सब कुछ समझ में आता है और धीमे धीमे ये रिडंडेंट हो रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश और जो राजस्थान में हुआ वहाँ पर बीजेपी को कुछ करेक्टिव स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, वहाँ पर कुछ ऐसे हालात थे जो बीजेपी के लिए सबक हैं, लेकिन वहाँ पर बीजेपी ने ऐसा नहीं कि ख़राब किया, बहुत ही अच्छा किया। मध्य प्रदेश में वोट ज़्यादा है और राजस्थान में सिर्फ 0.5% है और एक मिनट सुन लीजिए, बीच में मत बोला करिए, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता। और दूसरा ये भी देखें, वहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो भी सर्वे आ रहे थे उन सब में करीब 70% लोगों ने बोला था कि 2019 में मोदी जी को वोट देंगे, लोकल इलेक्शन में हम कुछ कर सकते हैं, अगर उस वक्त के सर्वे पे ध्यान दें। बिल्कुल, नैरेटिव तो यही था ना कि भाई राज्य सरकारों से नाराजगी, और आप मुस्कुरा रहे हैं अगर निगम साहब अपनी बात रख रहे हैं तो। राजस्थान में 165 से 73 पर आ गए, 90 सीटें हार गए और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगर मुझे इससे मतलब नहीं, पॉलिटिकल पार्टी अपने अपना अपने आप बचाव में जो भी बातें कहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जाति एक सच्चाई है, जाति को सिर्फ धर्म तोड़ता है। तो क्या इस बार यूपी में धर्म फिर 2014 की तरह चलेगा जो बीजेपी की चुनावी वैतरणी को पार करा देगा, या फिर जाति हावी होगी, ये बड़ा सवाल है। मंडल या कमंडल, ये बड़ी बात जो यहाँ उभर कर आ रही है। और कुल मिलाकर ये चुनावी साल में एसपी बीएसपी एक साथ कल कर देंगे औपचारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान, तो तोते किसके उड़ेंगे? वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, हमारे साथ
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? ओम प्रकाश राजभर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है जी। ये खबर जो सामने निकल कर आ रही है, गठबंधन का औपचारिक ऐलान समाजवादी पार्टी और बीएसपी कल करने जा रहे हैं, आपके गठबंधन के लिए मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं है। 27% आरक्षण का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी कर दे तो कोई मुश्किल नहीं है। बंटवारा नहीं होगा तो मुश्किल होगा। तो मुश्किल होगा जी। ये किस तरीके का बंटवारा चाहते हैं आप और किस तरीके से मुश्किल होगा, जरा ये बताइए। देखिए, 38% आबादी अकेले अति पिछड़ों की पूरे उत्तर प्रदेश में है। ये हर पार्लियामेंट में 5 लाख 6 लाख 7 लाख का कोट इनका है। जैसे अर्कमंत्री है, कश्यप है, विंध है, निषाद है, मल्ला है, राजभर है, चौहान है, बिहार है, रजवार है, आरक है, बारी है, गुजर है, ये तमाम जातियां कुल वोट मिला करके हर पार्लियामेंट में 5 लाख 6 लाख 7 लाख तक अकेले वोट इनका है। अच्छा। और यही लोगों को हिस्सा 27% आरक्षण में नहीं मिल पा रहा है, तो इन लोग अपने हिस्सा लेने के लिए जो अति पिछड़ा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आई है 27% आरक्षण में 3 कैटेगरी बनाने के लिए, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, इसी को लागू कर दें तो सपा बसपा गठबंधन का बहुत मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 38% ये जो वोट है जिसके साथ जाता है उसकी सरकार बनाता है, जिसके साथ हटता है उसकी सरकार गिरा देता है, ये इसका इतिहास है। नहीं तो सर, मतलब आप ये कह रहे हो कि जातिगत समीकरण जिस तरीके से बनेंगे गठबंधन की वजह से, उसकी तोड़ जो है वो जातियों को खुश करके अपने पक्ष में वो जातिगत समीकरण से ही हो सकता है? बीजेपी आपकी सहयोगी बड़ी पार्टी तो कहती है हम विकास पर जीत हासिल करेंगे, हमें जातिगत समीकरण बिठाने की जरूरत नहीं है, आप अलग फिलॉसफी दे रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, चाहे जो जितना विकास का ढिढोरा पीट ले, सारी पार्टियां जातियों के आधार पे ही काम करती हैं, टिकट देती है जाति के नाम पे, मिनिस्टर बनाती है तो जाति के नाम पे, रैलियां सभा होती है तो जातियों के नाम पे, रैलियों में भीड़ जुटाई जाती है तो जाति को कहा जाता है तुम अपनी जाति को ले आओ। तो ये तो एक कहने के लिए पूछा, लेकिन कर धरातल को क्या हो रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो आप ये जो कह रहे हैं, अभी अगर मौजूदा हालत में देखा जाए, जब बीजेपी ने आप जिस कोटे की मांग कर रहे हैं वो कोटा नहीं दिया, तो आज की तारीख में तो मतलब एसपी बीएसपी भारी पड़ रहा है आपके गठबंधन पर, आप ही के हिसाब से भारी पड़ेगा, कितना नुकसान कर देगा? पड़ेगा भारी सर, कितना नुकसान होगा ये बताइए ना, आपका क्या आंकलन है? देखिए भारी, हमारे हिसाब से बड़ा कठिन डगर होगा। अच्छा, लेकिन बीजेपी उसको नहीं मान रही है, आपकी राय बिल्कुल अपनी सहयोगी पार्टी से फर्क है। मानेगी तब जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब ना, पहले नहीं मानेगी ना। अच्छा ठीक है, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही है, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। राजभर जी, एक तो ये समझ में नहीं आता कि इतना आसान है जब ओबीसी का कोटे में सब कोटा डालकर चुनाव जीतना, तो बीजेपी इस पर अमल क्यों नहीं कर रही? और दूसरा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये सब नहीं किया तो वो मुश्किल में पड़ेगी, तो आप किस गठबंधन में होंगे फिर? हम तो भाजपा के साथ हैं, अभी तक 100 दिन का अल्टीमेटम दिया हूँ, नहीं होगा तो अकेले 80 सीट पे चुनाव लड़ूंगा। डेडलाइन क्या है? डेडलाइन क्या है, कब तक, कब तक है, किस तारीख तक की डेडलाइन दी है? 11 दिन बीत गया है, 89 दिन और बाकी है। नहीं, कितना समय आपने दिया है बीजेपी को ये जानना चाह रहे हैं? 100 दिन का दिया है जिसमें 11 दिन बीत गया। अच्छा, मतलब लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदल सकते हैं आप? हम पाला नहीं, हम अपनी पार्टी के 80 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ाएंगे। तो सर, बीजेपी के नेताओं से इस बारे में चर्चा हुई है कोई, आला नेताओं की तरफ से? कोई चर्चा क्या? नहीं, देखिए, बीजेपी के नेताओं से हमारी कोई चर्चा नहीं, हमारी वार्ता जो हुई है, हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और ये लोग शुरू से ही हमको किनारे लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम क्योंकि 125 सीटों पर जीतवाने में अहम भूमिका उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में किया हूं और पूर्वांचल के लोगों ने मुझे भेजा है अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए, राशन कार्ड, आवास, शौचालय, पेंशन, आवास और उनके रास्ते, पुल, पुलिया, खड़ंजा के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए वो हमको भेजे हैं यहाँ, इस नाते लड़ता हूँ हम।
अच्छा, आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से हैं, जिस तरीके से नाराजगी के आपके सुर हैं, वैसे ही सुर तो अपना दल की नेता भी अब अलाप रहे हैं, तो उनके साथ किसी तरीके की कोई समझ बन रही है आपकी? अब देखिए, अब उनसे हमसे नहीं ना कोई बात है ना चीत है। वो 5 साल सत्ता में थे तो 5 साल तो नाराजगी नहीं जिताए दिल्ली में, यहाँ भी लगभग 22 महीने से है, नाराजगी नहीं बताए। लेकिन अब चुनाव आ गया तो नाराजगी उनके समझ में आई कि जो ओम प्रकाश राजभर पहले से कहता आ रहा है वो बात आज उनको समझ में आई है। ये बात पहले समझ में आ जानी चाहिए थी ना। अच्छा ओम प्रकाश राजभर जी, ये बताइए ना आप कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है कि चुनावी साल में जो एनडीए है उसके साथ ही नाराज हो रहे हैं सर, आप भी नाराजगी बता रहे हैं बीजेपी के साथ, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल जो है वो जुड़ते जा रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी बीएसपी एक दूसरे के धुर विरोधी वो साथ आ रहे हैं, ऐसा क्यों आपकी नजर में? ऐसा है देखिए ना, वो तो बहुत दिन से हम सुन रहे हैं कि सपा बसपा गठबंधन कर रहे हैं, वो गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, उनकी औपचारिकता पूरी हो और ना हो तो अलग की बात है, अपना ये चर्चा है। वो गठबंधन करके लड़के अपना सरकार बनाने का वो लोग भी गणित बैठा रहे हैं। हर पार्टी अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अपना गठबंधन बना रहे हैं, या देश गठबंधन में चला गया है अब ना। अच्छा, अगर बीजेपी आपकी बात नहीं मानती तो आपके मुताबिक बीजेपी को नुकसान होगा? एसपी बीएसपी कह रहे हैं हम साथ में लड़ेंगे, तो 80 में से फिर आपको क्या लगता है बीजेपी का आंकड़ा कहाँ रह जाएगा? अगर आपकी बात नहीं मानती, आप भी नाराज होकर अलग रास्ता अपना लेंगे तो आप देखिए, अब तो जनता के ऊपर है, बीजेपी का आंकड़ा वो समझ में आ जाएगा जब ये 22% आरक्षण का बंटवारा नहीं हुआ तो वो आंकड़ा समझ में आ जाएगा कहाँ जाएगा कहाँ रहेगा। अच्छा, और आपको कितनी सीटें चाहिए सर उत्तर प्रदेश में लोकसभा में? हमको कोई सीट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 27% आरक्षण में बंटवारा चाहिए, जिसके लिए आपने 100 दिन का अल्टीमेटम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने एबीपी न्यूज से बात की, और देखिए वो इसी तरीके से बेबाक अंदाज में लगातार अपनी बात रखते भी हैं, और अपनी ही सरकार जो उत्तर प्रदेश में जिसके वो सहयोगी दल हैं उस सरकार की किरकिरी भी कराते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि अगर कोटा नहीं दिया गया पिछड़ों को आरक्षण में तो फिर समझ लीजिए कि बीजेपी को बड़ी चुनौती पेश आएगी एसपी बीएसपी इस गठबंधन की वजह से 2019 लोकसभा चुनाव में। हम फौरन लौट रहे हैं, एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी, आप रहिए हमारे साथ। सवाल वही, आखिरकार चुनावी साल में किस पार्टी के तोते उड़ गए? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।